डेट इज़ 16 जुलाई 2020, डे इज़ थर्सडे, क्लास 10th, लेक्चर 14, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वालुल उक्ततन मिन लिसानी यफ़क़ाहु कौली, रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा। चैप्टर नंबर 5, द पोएम बाय विलियम हेनरी डेविस, पेज नंबर 55 to 56। विलियम हेनरी डेविस बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ हिज टाइम इन यूके एंड यूएस, एंड द रेन सिंबल्स रिन्यूअल एंड द रेन द रेन इज़ रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। सो रेन सिंबल्स रिन्यूअल एंड चेंज, यू नो द रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वाटर इन एवरी फॉर्म एज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एलिमेंट्स फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ एंड द रेन देर आर फ्यू क्वेश्चंस लाइक वी हैव टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड और टू अंडरस्टैंड बिफोर रीडिंग। प्री रीडिंग क्वेश्चन, डू यू इंजॉय रेन, वाई? इफ यू इंजॉय रेन देन tell me or write the reason why you enjoy the rain, and can you share 3 good things about rain? If you have experienced a very good things about rain, if you are thinking about good on rain, so you can write by yourself or you can explain by yourself how rain attracts you. Now, what may be the result of excessive rain? You know, too much rain become cause of storms and become flood and being destruction. And there are 3 questions, so their answers are also mentioned in notes also, but I recommend you can write by yourself because it's pre-reading question. So do you enjoy rain? If yes, then explain why. Can you share 3 things, good things about rain? If you feel good things about rain, if rain attracts you, if rain memorize or recall or having your good experiences about rain, so explain or share your experience about 3 good things. And what may be the result of excessive rain, so you can explain in your own words. Now move on, page number 56. First of all, open your books and keep the books in your hand, and page number is 56. So read it. Stanza number 1. I hear leaves be drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. This a sweet noise to hear, these green leaves drinking near. So the, you know, the poet I mentioned twice before, the poet name is William Henry Davis. Actually, in this stanza, the poet says or want to try to say that he hears the sweetest sound, that the leaves drinking rain water, and these leaves are on the top, are full of rain water, means jo leaves hai top pe wo pani se full of water jo hai rain water un pe hai. These rich leaves, after quenching their thirst, pass on the drop one by one to the poor or lower leaves beneath. इसमें एक्चुअली देर आर यूज सम मेटाफर ऑफ पुअर लीव्स एंड रिच लीव्स. यू नो देर इज़ नो पुअर लीव्स और रिच लीव्स, लीव्स आर जस्ट लीव्स, और ग्रीन लीव्स मीन्स और येलो लीव्स देर आर लीव्स. बट वी द पोएट मैंशनड देयर मेटाफर, ही मैंशनड वॉट पुअर लीव्स रिच लीव्स, वॉट इज़ पुअर लीव्स एंड रिच लीव्स, बट इन इंग्लिश डिक्शनरी देर इज़ लीव्स. सो पोएट यूज़ द मेटाफर, means in these poor rich, means he actually metaphor use like a society. So he means these lines means refer to the society, like rich gets a golden chance first and whatever remains trickle down to the poor people, but he still does not look hopeless. Means के अगर कोई ऐसा है कि society में ऐसा होता है कि जो एक अमीर आदमी है उसको सबसे पहले चांस मिलता है और जो उससे बच जाता है वो फिर गरीब लोगों को उसमें से चांस दिया जाता है, और लेकिन गरीब भी जो है वो होपलेस नहीं होता,
और जो वो उम्मीद नहीं छोड़ता, उसको ये हो मतलब उम्मीद होती है, एक्सपेक्ट होता है कि एक टाइम पे जो पानी है वो जो रिसोर्सेज हैं और फूड है और समथिंग लाइक ही और शी विश कि वो उस तक पहुंचेगा। लेकिन सोसाइटी में ऐसा होता है जो अमीर लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी पहले गेन कर लेते हैं, उनको सबसे पहले मिलता है, लेकिन जो उनसे बच जाता है फिर वो बाकी रिमेनिंग जो लेफ्ट सोसाइटी है उसको मिलता है। तो इसमें भी ऐसा ही मेटाफर यूज़ हुआ है कि यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे जो पौधों पे टॉप पे जो लीव्स हैं वो रिच लीव्स हैं और उनको जो है पहले पानी पहुँच रहा है रेन का। जब वो पानी से वो क्वेंचिंग का मतलब यहाँ पे होगा कि प्याज जो वो बुझा रहे हैं, जब उनकी प्याज बुझ जाती है, जब उनसे जो बच जाता है, देन वो लोअर लीव्स पे जो है वो लोअर लीव्स को मिलता है वन बाय वन। सो पोएट यूज मेटाफर, ऑल्सो यूज मेटाफर हेयर एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टैंजा। नाउ मूव ऑन स्टैंजा नंबर टू, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी लवली साइट। सो विलियम हेनरी डेविस says that it will stop raining at some point and the sun will come out. The beautiful light will brighten up each drop and the sun will shine in full brightness. It will be a lovely sight. Actually, the poet means firstly in the very first stanza, the poet criticized the society. What criticized means that rich लीव्स क्वेंचिंग देयर थर्स्ट फर्स्ट, मतलब जो ऊपर और अमीर जो लोग होते हैं वो पहले ले लेते हैं अपॉर्चुनिटी और जो उनसे बच जाता है फिर गरीब लोगों को मिलता है। लाइक जैसे ऊपर लीव्स होते हैं वो जब अपनी प्यास बुझा लेते हैं तब ही जो नीचे पत्ते हैं उनको मिलता है। नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा वो सोसाइटी की इक्वालिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पर उसने क्या मेटाफर यूज़ किया कि देयर वुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। वॉट इक्वालिटी? जस्ट लाइक द सनशाइन विच स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, द सनशाइन इज बोथ फॉर द डार्क राउंड ड्रॉप ऑफ रेन एंड रिच ग्रीन लीव्स। मीन्स के पहले तो वो उसने रेन की बात की, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे कहते हैं लेकिन एक पॉइंट आएगा जब सन निकलेगा, बारिश रुक जाएगी, और जब सूरज निकलेगा, डेफिनेटली जब वो सूरज निकलता है तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट जो होती है उसकी, और वो हर ड्रॉप को एक और मज़ीद जो है वो रोशन बना देता है, और जब उसको मज़ीद वो रोशन बना देता है, सूरज की रोशनी जब पत्तों पे पड़ती है तो उसको बहुत खूबसूरत बना देता है। अब पॉइंट कहता है कि जब सूरज निकलता है तो वो उसकी जो सूरज की श्वाएँ हैं या सूरज की गर्मी है या सूरज की जो रोशनी है वो इक्वली लीव्स पे पड़ती है। वो ऐसा नहीं होता कि पहले अमीर लोग उसके उससे लेते हैं फिर वो जो बच जाए वो गरीब लोग लेते हैं, नहीं। लेकिन जब सूरज निकलता है तो उसकी जो रोशनी, गर्मी और जो भी उसके फीचर्स हैं वो सब ही पौधों पर इक्वली पड़ते हैं, और ये ऐसा होता है कि जैसे लग रहा होता है कि दुनिया जो है ना, जो जितनी भी दुनिया फैली हुई है वो बराबर जो है सूरज की उसको रोशनी मिल रही है। सो चाहे वो डार्क हो, चाहे वो जैसा भी हो, अमीर जो पत्ता हो या वो गरीब पत्ता हो, उसको इक्वली जो है वो सनलाइट मिलती है। सो पॉइंट क्रिटिसाइज इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा डैट rich leaves quenching their thirst on the drop and one by one to the poor or lower leaves beneath. And in the second stanza he would be equality in the society, just like the sunshine which spread all over the world equally. So there are two stanza in this point. So there is also a theme mentioned. This is very important theme, and also it might be possible that comes in the federal board examination. So first two stanzas are very important, so learn it, and there are also few questions like reading comprehension. What does the poet here, the poet here, the leaves
drinking the rain water, and what according to the poet is a sweet noise, and what will happen after the rain stop, what does the sun comes out after the rain, and how does the light fill the drops, what makes the scene lovely. So these three six questions there are mentioned, and also pre-reading questions are also there, and they're all also answers are also given in the notes. So you have to read thoroughly, understand this poem, and this poem is really, you know, very attractive, or means to say, like, it's very a lesson behind this story that a poet want to convey us. So what poet convey to us to understand, to comprehend this poem, first two stanzas, and also comprehension and pre-reading questions too. So you learn and understands very well, and we will move on further in the next lecture, inshallah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.